तो एक चीज मैं आप लोगों की शुरुआत में क्लियर कर देना चाहता हूं, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग जिस फोन की बात करेंगे वो फोन आपको एक रिन्यूड फोन मिलता है। अभी आप लोगों को ये नहीं पता होगा कि भाई ये रिन्यूड फोन होता क्या है, तो वीडियो को लास्ट तक देख लेना क्योंकि तब तक आपको पता चल जाएगा कि भाई रिन्यूड फोन क्या होता है, इस फोन में हमें क्या क्या चीजें मिलती है, कौन सा फोन है, फोन का नाम वगैरह क्या, सारी चीजें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो हेलो सुल्तान, मेरा नाम है केशव। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले एक ऐसे फोन की जहां पर आपको स्नैपड्रैगन 865 प्रोसेसर मिल जाता है, 144 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट मिलता है, फास्ट चार्जिंग अच्छी खासी मिल जाती है, 33 वोट की कैमरा एक नंबर की आपको मिल जाता है, ग्लास बैक वगैरह मिलता है, एल्यूमिनियम का फ्रेम वगैरह मिल जाता है, बाकी सारी चीजें भी आप लोगों को काफी तगड़ी मिलती है। एंड फोन का प्राइस आप लोगों को मिलता है 20,000 का, 6GB की रैम, 128GB की रोम के वेरिएंट के साथ। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को अपने फ्रेंड के शेयर कर दो, सके तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो करते हैं वीडियो को जल्दी से स्टार्ट। मीना क्या होता है, जैसे मैं बोल रहा हूँ जब मैं ऐसे छुपू ना तो ये चीज मैं हटा सकता हूँ। तो अभी मैं आप लोगों को सबसे पहले बताता हूँ कि भाई अपना जो रिफर्बिश्ड या फिर आप लोगों को रिन्यूड फोन मिलते हैं ये क्या होते हैं। मान लो आप लोगों ने कोई फोन ऑर्डर करा तो आप लोगों के पास फोन आता है, आप डब्बा खोलते हो लाइक सम यूट्यूबर्स, अभी किसी को पोक नहीं करेंगे, बट मान लो आप लोग डब्बा खोलते हैं एंड आप लोग देखते हो कि भाई फोन में थोड़े डेंट पड़े हैं, कुछ स्क्रैचेस पड़े हैं, या फिर आप लोग फोन को यूज करके सेटिस्फाई नहीं हुए, कुछ आपको बग्स वगैरह मिल रहे हैं, यानी कुछ आपको हार्डवेयर इशू मिल रहे हैं, तो आप लोग फोन को रिटर्न कर दोगे। तो कंपनी इस फोन का अब क्या करती है, भाई कंपनी जो इस फोन के साथ कोई दिक्कत होती है, अगर कुछ नॉर्मल सी दिक्कत है तो उसको ठीक कर देती है, एंड अगर मान लो थोड़े स्क्रैच वगैरह वाले इशू है तो उस फोन को कंपनी रिन्यूड बना के बेच देती है। मतलब इस फोन, ये फोन सेकंड हैंड नहीं होता भाई, मतलब सेकंड हैंड तो नहीं होता क्योंकि किसी ने यूज ही नहीं करा, फोन बंदे के पास गया, उसको ठीक नहीं लगा, उसको कुछ दिक्कत लगी, कुछ भी डेंट वगैरह कुछ भी आप उस बंदे को इशू मिल जाते हैं, तो वो बंदा फोन को यूज करता नहीं है, मतलब वो ऑन द स्पॉट या फिर अगले दिन फोन को रिटर्न कर देता है। तो आप लोग ये बोल सकते हो कि ये आपको सेकंड हैंड फोन तो नहीं मिलता, ये आपको बिल्कुल लेटेस्ट फोन मिलते हैं जहां पर थोड़े बहुत आपको डेंट वगैरह मिल जाते हैं। एंड ये वाला फोन या फिर ये वाली वीडियो मैं उन्हीं लोगों के लिए बना रहा हूं जिन लोगों को एक गेमिंग वाला फोन चाहिए, जिन लोगों को ऐसे फर्क नहीं पड़ता कि भाई फोन पे थोड़े से डेंट वगैरह पड़े हैं या फिर फोन के साथ आपको थोड़ी सी हार्डवेयर वाली इशू मिलता है। हार्डवेयर इशू ऐसे नहीं है कि भाई फोन आपका बिल्कुल चलेगा नहीं या फिर मतलब कुछ भी ऐसी दिक्कत, कैमरा वगैरह ओपन नहीं हो रहा, ऐसी दिक्कत नहीं, बट कुछ भी ऐसी मतलब थोड़े से स्क्रैच पड़े, थोड़े से डेंट वगैरह पड़े हैं, थोड़ी सी मतलब स्क्रीन थोड़ी से मतलब हो रखी है, तो आप लोग वाली दिक्कत समझ सकते हो, वैसी कोई आपको दिक्कत नहीं होगी जो आपका एक्सपीरियंस बेकार करेगी। अब रिन्यूड के अंदर भी ना भाई काफी सारी कैटेगरी होती है, मान लो कि जैसे फर्स्ट स्टार रिन्यूड या सेकंड स्टार, थ्री स्टार, फोर स्टार, फाइव स्टार, मतलब फर्स्ट स्टार है मतलब एक स्टार वाला है तो उसके अंदर ये होगा कि कुछ ज्यादा डेंट पड़े होंगे, और जो फाइव स्टार वाला है जिसमें पांच स्टार मिले हुए तो उसके अंदर क्या होगा, जो आपको डेंट वगैरह बिल्कुल ना के बराबर मिलेंगे, आपको कोई ऐसा मेजर इशू नहीं मिलेगा फोन के साथ। बाकी फर्स्ट स्टार में आपको थोड़े बहुत इशू मिल सकते हैं, बट जो आपको फाइव स्टार वाला मिलेगा तो आपको कोई मेजर इशू नहीं मिलेंगे, थोड़े बहुत स्क्रैचेस वगैरह फिर थोड़ी बहुत आपको माइनर डेंट वगैरह मिलेंगे। बट हाँ, एक चीज और आप लोगों को पता होनी चाहिए, जो अपने रिन्यूड फोन आते हैं कई बार किसी दूसरे डब्बे में या फिर एक प्लेन व्हाइट बॉक्स के अंदर आप लोगों को मिल जाते हैं। जब मान लो आप लोगों ने iQOO 7 ऑर्डर करा, तो रिन्यूड फोन आपने ऑर्डर करा तो जरूरी नहीं कि भाई वो iQOO 7 के बॉक्स के अंदर ही आपको मिलेगा, यहाँ पर कोई भी मतलब जो फ्लिपकार्ट या अमेजोन जिससे भी आप लोग ऑर्डर कर रहे हो वहां पर आप लोगों को एक व्हाइट कलर का बॉक्स मिल जाएगा या फिर iQOO 7 का भी मिल सकता है, बट मतलब मैक्सिमम केसेस के अंदर आपको व्हाइट बॉक्स मिल जाएगा जिसके ऊपर लिखा होगा iQOO 7 एंड रिफर्बिश्ड वगैरह लिखा होगा। अभी दूसरी चीज आप लोगों को जो पता होनी चाहिए कि फोन के साथ आपको ना कंपनी का चार्जर नहीं मिलेगा, मतलब अगर आप लोगों ने iQOO का फोन ऑर्डर कराया तो जरूरी नहीं है कि भाई आपको iQOO का ही चार्जर मिले, आपको किसी और ब्रांड का ओरिजिनल चार्जर मिल जाएगा। तो ये चीज होती है, ओरिजिनल चार्जर मिलेगा बट किसी और ब्रांड का मिल जाएगा। बट ये चीज भी ये नहीं है कि हर बार ऐसा होगा, कुछ टाइम आपको ये भी हो सकता है कि आप लोगों को बिल्कुल ओरिजिनल चार्जर मिल जाए, उधर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बट कुछ बार ऐसा भी होता है कि आप लोगों को ओरिजिनल चार्जर नहीं मिलता बट आपको कंपनी किसी और ब्रांड का ओरिजिनल चार्जर मिलता है, मतलब सेम कंपनी का नहीं मिलेगा बट किसी और कंपनी का आप लोगों को चार्जर मिल जाएगा। एंड कुछ ब्रांड्स है जो ईयरपीस प्रोवाइड करती है या फिर आप लोगों को ईयरफोन प्रोवाइड करती है, तो वो चीज भी आप लोगों को बॉक्स के अंदर 99.9% टाइम अगर आप लोगों को एक आधी बार मिल जाए तो बहुत लकी समझ लेना आप लोग। एंड उसी के साथ रिन्यूड फोन के अंदर आप लोगों को सिर्फ 6 महीने की वारंटी मिलती है जो आपको कंपनी की तरफ से नहीं मिलती, जो आप लोगों को सेलर की तरफ से मिलती है। अगर सेलर आपकी कॉल वगैरह उठा के मना कर देता है कि भाई मतलब मैं नहीं दूंगा, तो आप लोग जिस भी आपने वेबसाइट या फिर जिस भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से आप लोगों ने फोन ऑर्डर करा है वहां पे आप लोग कंप्लेंट कर सकते हैं एंड सेलर को भाई वो वारंटी देखनी ही पड़ेगी। एंड मान लो कि आप लोगों ने रिन्यूड फोन ऑर्डर कर दिया तो अभी आप लोगों को भाई वो फोन पसंद नहीं है, मान लो कुछ ज्यादा ही डेंट वगैरह, कुछ ज्यादा स्क्रैच वगैरह, तो आप लोग उसे रिप्लेस भी कर सकते हो या फिर आप लोग रिफंड या फिर रिटर्न भी कर सकते हो। तो अगर मैं आप लोगों को समरी बताऊं तो ये कह सकता हूं कि जो अपना रिफर्बिश्ड या फिर रीयूज्ड फोन होते हैं ये उन लोगों के लिए होते हैं जिन लोगों को अच्छी स्पेसिफिकेशन एक कम प्राइस पे चाहिए या फिर जो लोग एक फोन को नहीं ले पा रहे, मान लो कोई फोन 30,000 का, 33,000 का फोन है एंड उन लोगों का बजट
20,000 का, एंड अगर उन लोगों को वही फोन चाहिए तो वो लोग एक रिफर्बिश्ड फोन बाय कर सकते हैं या फिर एक रिन्यूड फोन बाय कर सकते हैं। तो रिन्यूड फोन का भाई अपने अलग प्रोज हो जाते हैं, अपने अलग कॉन्स हो जाते हैं। कॉन्स मैंने आप लोगों को बताई दिए, प्रोज ये हो जाता है कि भाई आपको कम प्राइस के अंदर सेम फोन मिल जाता है, एंड कॉन्स के अंदर आपको थोड़े बहुत डेंट मिल सकता है, ओरिजिनल चार्जर वाला इशू हो सकता है, ईयरपीस वाला इशू हो सकता है, फोन आपको सेम बॉक्स के साथ नहीं मिल सकता, एंड आपको छह महीने की वारंटी मिलेगी, वो भी आप लोगों को सेलर की तरफ से मिलेगी। तो भाई मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो एक बार मैंने एक स्पीकर ऑर्डर करा था टू गुड से, तो भाई मेरे को तो काफी सही लगा, एंड अभी तक मैं उसे यूज कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट एक साल हो चुका है उस स्पीकर को परचेज करे हुए, एंड स्टिल भाई काफी अच्छा काम कर रहा है। RGB स्पीकर जिसकी हम लोगों ने वीडियो भी डाल चुका हूं, मतलब डाली है, तो अगर आप लोगों को वाली वीडियो देखने तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग उस स्पीकर को बाय कर सकते हो अगर आप लोग कोई एक RGB स्पीकर बाय करना चाहते हो, काफी सही है। तो अभी हम लोगों ने रिन्यूड एंड रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट की बात कर ली, बट अब बात करते हैं भाई उस फोन की जो आप लोगों को अंडर 20,000 ये सारी चीजें प्रोवाइड कर देता है जो मैंने आप लोगों को शुरुआत में बताई थी। तो फोन का नाम आता है अपना Mi 10T, एंड आपकी स्क्रीन पर मैं आपको प्राइस भी शो कर रहा हूं कि भाई ये फोन आपको 19,999 के प्राइस पे मिल जाता है, यानी कि अंडर 20,000 आप लोगों को मिल जाता है, एंड सेम स्पेसिफिकेशन। हाँ, ये मैं समझना कि भाई आप लोग कोई फोन ऑर्डर कर रहे हो तो वहां पर आपको स्पेसिफिकेशन भी ऊपर नीचे मिलेगी, ऐसा सीन नहीं है, स्पेसिफिकेशन आपको ओरिजिनल मिलेगी, जो कंपनी ने क्लेम करी है वही चीज आप लोगों को मिलेगी। तो अभी मैं लोगों को जल्दी से फोन की स्पेसिफिकेशन बता देता हूं। तो फोन के अंदर आपको मिलता है 6.67 इंच का फुल HD प्लस का IPS पैनल, 144 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट मिल जाता है, इधर आपको पंच होल मिलती है, जो आपको बैक मिलते हैं ग्लास के मिलते हैं, बैक साइड में आपको तीन कैमरे मिलते हैं, डिजाइन वाइज भी आप लोगों को ये फोन OP मिल जाता है। बात करते हैं कैमरे की, तो फोन में आपको बैक साइड में तीन कैमरे मिलते हैं, 64 मेगापिक्सल प्लस, 13 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड के लिए प्लस, 5 मेगापिक्सल आपको मैक्रो शॉट के लिए मिलता है। फोन से आप लोग 8K रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, एंड फोन के अंदर आपको सोनी का सेंसर मिलता है। बात कीजिए सेल्फी की, तो इधर आपको 20 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलती है। अभी चलते हैं प्रोसेसर डिपार्टमेंट की तरफ, तो इधर आपको मिलता है स्नैपड्रैगन का 865 का प्रोसेसर, जो आप लोगों को 7nm का प्रोसेसर मिलता है, ऑक्टा कोर का प्रोसेसर है, एड्रिनो का 650 का आपको GPU मिलता है, एंड फोन आपको 5GB मिल जाता है। बात करते हैं बैटरी की, तो फोन में आपको मिलती है 5000mAh की बैटरी, टाइप सी का पोर्ट मिलता है, फोन आपकी 33W की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, एंड आपको 33W का ही फास्ट चार्जर बॉक्स के अंदर मिलता है। बात करते हैं फोन के कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की, तो भाई इधर आपको 3.5mm का जैक नहीं मिलता, तो ये चीज आप लोगों को थोड़ी सी बेकार मिलती है। वैसे हाँ, अगर आप लोगों को ये फोन बाय करना तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, एंड अगर आप लोगों का कुछ भी डाउट वगैरह तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, वहां पर मैं आपको ऑन द स्पॉट रिप्लाई कर दूंगा। बट उसी के साथ फोन में आपको स्टीरियो स्पीकर मिल जाता है, UFS 3.1 का स्टोरेज टाइप मिल जाता है, गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन फ्रंट बैक दोनों पे ही मिलती है, HDR10+ का सपोर्ट मिलता है, एल्यूमिनियम का फ्रेम मिल जाता है, मस्त हैप्टिक्स मिल जाते हैं, LPDDR5 आपको रैम टाइप मिल जाती है, NFC का सपोर्ट मिल जाता है, अडैप्टिव सिंक का ऑप्शन मिल जाता है, आईआर ब्लास्टर मिलता है, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैन मिल जाता है, फेस अनलॉक ऑप्शन मिल जाता है, एंड्रॉइड 11 आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाता है, MIUI 12 मिल जाता है, इधर आपको मेमोरी कार्ड के लिए कोई भी स्लॉट नहीं मिलता। एंड प्राइस तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताई दिया कि फोन में आपको 6GB की रैम 128GB की रोम मिल जाते हैं 20,000 के प्राइस पे। तो ये वाला फोन सिर्फ उन लोगों के लिए टारगेट हो जाता है, या फिर ये वाला फोन सिर्फ उन लोगों के लिए हो जाता है, रिफर्बिश्ड की मैं बात कर रहा हूं, जिन लोगों को कम प्राइस के अंदर तगड़ी वाली गेमिंग करनी है, या फिर जिन लोगों को कम प्राइस के अंदर एक अच्छा फोन बाय करना है, उनको फर्क नहीं भाई थोड़े बहुत फोन पे डेंट वगैरह, क्योंकि आप लोग कवर लगा के वो सब चीजें छुपा सकते हो। तो अगर आप लोगों को ऐसा एक फोन बाय करना है तो आप लोग इस फोन की तरफ डेफिनेटली जा सकते हो, एंड अगर आप लोगों ने कोई रिफर्बिश्ड फोन पहले यूज करा हुआ है तो आप लोग उसका एक्सपीरियंस मेरे को बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। एंड जो मैंने इस फोन के रिव्यू चेक करे रिफर्बिश्ड के, तो भाई मेरे को तो काफी सही लगे, तो मेरे को उधर भी कोई दिक्कत नहीं लगी। तो बाकी आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोगों को यूज करना है या नहीं करना, या फिर आप लोगों को ये फोन बाय करना नहीं करना। मैं कह सकता हूं कि अगर आप लोग एक बार बाय करने का सोच रहे हो तो आप लोग बाय कर लो, एंड अगर आपको पसंद नहीं आता तो आप लोग रिटर्न कर सकते हो। तभी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय वगैरह बता सकते हो, एंड अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को अपने फ्रेंड के शेयर कर दो, सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगली किसी बड़ी वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।